Good morning, everyone. I welcome you all for the second session. And the session will be delivered by Professor Shashikant Hippargi. The topic is skills required to develop your career. Sir is working as assistant professor in Electronics and Telecommunication Department, NB Navle Sihagad College of Engineering, Solapur. He has 20 years of teaching and industrial experience. He is the coordinator of student development and career counseling cell. Through this cell, all the students in our institute will be provided with the training on soft skills, aptitude training, and company specific training. He is GATE qualified. He received the award of best teacher 3 times. Under his guidance, the startup is initiated with the name Saksham Medicare and Equipments, where they manufacture phototherapy machine, which will be used to cure, jaundice in the small babies. Sir has secured first position in Avishkar 2019, which is a university level competition, and he has represented our university at state level also. So with this brief introduction, I would welcome sir to the session. I welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you. So now I would request you to continue with the session, sir. Okay. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Hello, everybody. Before starting, मतलब start करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे मराठी समझ में आती है. पहले क्लियर करो कि मुझे मराठी समझ में आती है. आपको अगर कुछ भी मराठी में बोलना है तो आप बोल सकते हो. Okay, don't worry. If it is Hindi, then also it's okay. If it is Kannada, then also it's okay. ठीक है ना, आपको जो कुछ भी बोलना है आप खुल के बोलिए. ठीक है ना, ये सेशन वन वे नहीं होने वाला है. मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये सेशन वन वे नहीं है कि मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, ऐसा नहीं है. ठीक है ना, यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी है जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट है. आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर. ठीक है, चैट बॉक्स में जब मैं आपको यस और नो क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मैंने आपको पूछा कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपका आंसर या तो यस रहेगा या तो नो रहेगा. तो चैट बॉक्स में आप सिंपली आपको क्या करना है पता है क्या, आइदर यू कैन राइट इट एज वाई और एन. वाई और एन हम छोटे शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं. वी आर ऑल लाइक 17 प्लस, हम लोग छोटे शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं. आपने वाई बोला तो मैं यस मानूंगा, आपने नो बोला तो मैं एन मानूंगा. मतलब अगर आपने एन लिखा तो मैं नो मानूंगा. सो दैट चैटिंग वुड बी मोर इजी, मतलब आप लोगों को चैट करते वक्त बहुत ही ईजी जाएगा. तो यस और नो क्वेश्चन के लिए आप लोगों को वाई और एन डालना है. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ऑल द पार्टिसिपेंट मतलब सब पार्टिसिपेंट उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए, ध्यान में रखना आज का जो सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके आने वाले करियर के लिए. समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? यस और नो, पुट इट इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आप वाई नहीं तो एन, दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. गुड, सो मोस्ट ऑफ यू आर रिप्लाइंग विद यस. सो होप सो कि आप उतना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे जितना मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि फाइनली ये आपका प्रश्न है, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस देने वाला हूँ. ठीक है, सो एज द मैम इंट्रोड्यूस्ड, जैसे मैडम ने आपको इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्शन करके दिया कि आई एम शशिकांत धिप्परगी, लाइक आई एम टेकिंग केयर ऑफ द स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड करियर काउंसिलिंग सेल एट अवर ओन इंस्टीट्यूट दैट इज सिंहगढ़ कॉलेज. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली, मैं आपको थोड़ा सा एक दो मिनट में बता के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली, या हमारी टीम क्या करती है, या हमारा इंस्टीट्यूट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है. मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे आते हैं हमारे पास, जो भी उनको चाहिए ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, बच्चे आते हैं, सब सीखते हैं, सब करते हैं, बट फाइनली करना क्या आगे जाके. ठीक है ना, करना क्या है, ऑप्शन बहुत है मेरे पास, बट मुझे उसमें से क्या करना है. यहाँ पे बच्चे आके कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बीच में अटक जाते हैं. ठीक है, करना क्या है भाई सर, आगे मैं करूं क्या सर, मैं इंजीनियर बनूं, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जाऊं, मैं मैकेनिकल में जाऊं,
मैं एरोनॉटिक्स में जाऊं, मैं गेट करूं आगे और एमटेक करूं, आगे कुछ और पढ़ाई करूं, या फिर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं सर, मैं करूं क्या सर, या मैं गवर्नमेंट नौकरी करूं या मैं यूपीएससी एमपीएससी करूं, तो कहीं ना कहीं बच्चे आके यहाँ पे कंफ्यूज, दोस्तों ने कुछ बोला रहता है। गिरीश दे रही है, इज इट क्लियर नाउ गिरीश? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो, वाई और एन? ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल। ठीक है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तो जब बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि आगे करना क्या है सर, क्योंकि क्या होता है कि आप अपने दोस्तों का सुनते हो, पिताजी माताजी का सुनते हो, अपने रिलेटिव का सुनते हो, अपने टीचर्स का सुनते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों का सुनते हो, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मुझे आगे जाके करना क्या है। तो जब बच्चे ये वाला क्वेश्चन लेके हमारे तक पहुंचते हैं तो हमारा काम उनको गाइड करना रहता है कि उनके कैलिबर, उनकी कैपेसिटी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनका बैकग्राउंड पूरा देखने के बाद हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट हम ये नहीं बोलते कि आप ये ही करो, मेरा काम, हमारा काम आपको सजेशन देना है। समझ में आएगी नहीं? मैं आपको बोलूंगा कि आज आप दाल रोटी खाओ, राइट? दाल रोटी खाने के लिए मैंने बोल दिया, बट जरूरी नहीं है कि आपको दाल रोटी खानी है, ये फाइनली डिसीजन आपका है। फाइनल डिसीजन किसका रहता है? आपका खुद का रहता है। तो हमारा काम सिर्फ सजेशन देना है, हम आपको समझते हैं, हम आपको सुनते हैं, और सुनने के बाद जो हमें ठीक लगता है, जो हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस में हमने जो बच्चों को करते हुए देखा है, जो सक्सेसफुल हुए लाइफ में, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बोलते हैं कि नहीं बेटा ये अच्छा होगा। तो ये काम हम यहाँ पे करते हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट करियर काउंसिलिंग सेल में हम ये काम करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने बता तो दिया कि ये करना है, उसकी ट्रेनिंग कौन देगा? तो ट्रेनिंग भी हम ही देते हैं, ट्रेनिंग भी हम लोग ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग चाहिए, सो वी गिव द सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आल्सो। बच्चों ने बोला नहीं सर हार्डवेयर की ट्रेनिंग चाहिए, तो वी गिव हार्डवेयर ट्रेनिंग आल्सो। बच्चों ने बोला सर यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करनी है, तो हम लोग जो एक्सपर्ट्स है यूपीएससी एमपीएससी के उनको बुला के आपसे बात करने को लगाते हैं, सो दैट दे कैन गाइड यू आप लोग क्या कर सकते हो। सर मुझे फॉरेन जाना है, मुझे एमएस करने आगे बढ़ना है, मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, मैं अपनी मतलब बैचलर की डिग्री करने के बाद मुझे आगे बढ़ना है सर, मुझे आगे कुछ तो करना है, तो उसके लिए भी हम लोग गाइडेंस देते हैं। ठीक है ना, जहां पे हमारी अमर लाइक अभी मैं स्पेसिफिक सीएससी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैसे है कि यहाँ पे मैं जनरल टॉक कर रहा हूँ, आप जब मुझे मतलब पर्सनली कॉल करोगे ना तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। मैं अभी यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारा काम क्या है। दो मिनट में मैं बता के टॉपिक में जाने वाला हूँ, जरूर डिस्कस करेंगे अमर, डोंट वरी, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा, बट वील टॉक पर्सनली बिकॉज देर आर 54 स्टूडेंट्स। तो अभी मैं जनरल जो चीजें वो बताने वाला हूँ। ओके अमर, ओके गुड फाइन। तो अब तो वो सारे काम मैं करता हूँ, मतलब हमारी टीम करती है, हमारा कॉलेज या हमारे जितने भी टीचर्स है जो मेरी टीम में है, ये सब लोग वो काम करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, मैं इसलिए बता रहा था आपको कि आपको ये पता चले कि अगर मुझे पता है कि आगे जाके आपको क्या करना है तो उसके लिए स्किल कौन से रिक्वायर्ड है। आपने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे एंटरप्रेनर बनना है, आपने डिसाइड कर लिया नहीं सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपने डिसाइड कर लिया नहीं सर मुझे साइंटिस्ट बनना है, आपने डिसाइड कर लिया नहीं सर मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना है, आपने डिसाइड कर लिया नहीं सर मुझे एमएस करना है, मुझे गेट करना है, मुझे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी करना है, तो मेरा काम क्या है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट? ठीक है भाई करना तो है, लेकिन तैयारी कैसे करोगे? व्हाट आर द कॉमन स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कमिंग फ्यूचर? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने पिताजी से कभी बात करना, अपने पिताजी या अपने जो भी बड़े आपके घर पे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे बात करना, तो वो लोग बताएंगे कि जब हम लोग थे तब यार डिग्री होगी ना तो भी हमें जॉब मिल जाता था, या हम लोग कुछ भी कर लेते थे, सिर्फ क्या बैचलर डिग्री, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीई, बीटेक, बीएससी या कुछ भी, बी आर्किटेक्चर या एमबीबीएस कुछ भी कर लो, आपको आपको जॉब मिल जाता था। आप पूछना उनसे, वो बोलेंगे सिर्फ डिग्री था हमारे पास और डिग्री के चलते हमें जॉब मिल गया। बट आज की तारीख में द डे व्हेन वी आर सिटिंग हियर, आज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सिर्फ डिग्री से काम चलेगा ऐसा मत सोचना। एमबीबीएस की डिग्री बहुत लोग ले चुके हैं, बहुत लोग ले चुके हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत लोग ले चुके हैं, राइट, बीएससी की डिग्री बहुत लोग ले चुके हैं, बी फार्मेसी की डिग्री भी बहुत लोग ले चुके हैं, लेकिन आज सब लोग सक्सेसफुल है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
सिर्फ डिग्री होना नहीं है, मार्क्स हो गए ठीक है, आपने 70% स्कोर कर लिया, आपने 80% स्कोर कर लिया, सर इतने पे मेरा काम हो जाएगा क्या? तो आज के तारीख में अगर मैं आपको आंसर दूं, सो द सिंपल आंसर इज दैट नो. इवन यू हैव गॉट 90% इन योर एनी डिग्री, स्टिल बीइंग सक्सेसफुल 90% काम में नहीं आएगा. 90% इज लाइक अ पासपोर्ट. ये क्या आपके लिए, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको, मैंने जो लिखा है सबको दिख रहा है ऑन द स्क्रीन, मैंने जो लिखा है वो सबको दिख रहा है कि ऑन द स्क्रीन पासपोर्ट लिखा मैंने, दिख रहा है ना? हाँ. तो ये क्या पता है क्या आपके लिए, ये पासपोर्ट है. पासपोर्ट क्या होता है बेटा, आपको फॉरेन जाना है तो आप पहले पासपोर्ट निकालते हो, बट सिर्फ पासपोर्ट है मेरे पास तो मैं फॉरेन जा सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे वीजा निकालना पड़ता है. मुझे फॉरेन जाने के लिए मुझे कारण बताने पड़ते हैं कि भाई मैं फॉरेन को क्यों जाऊं, क्या काम है, क्या जरूरत है मेरी फॉरेन को जाने के लिए. अमेरिका वाला आपको डायरेक्टली ऐसी एंट्री नहीं देगा, वो आपका रीजन पूछता है, किस रीजन से आ रहे आप. तो वैसे ये जो डिग्री है ना, ये पासपोर्ट है, ये सबके पास है, कोई भी निकाल लेगा, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू दैट. क्या डिग्री, स्किल्स, कैसे आप मार्केट में माने जाओगे, कैसे मैं मानू कि भाई आपने जो पढ़ाई की है वो मेरे काम का है, कैसे मैं आपको समझ के चलू कि सिर्फ आपने 90% स्कोर कर लिया तो ये आपने रट्टा नहीं मारा है, ये आपने बायहट नहीं किया, आपने सिर्फ एग्जाम दिए है, बट सच में आपको वो आता है क्या, कैसे मानू मैं, कैसे प्रूव होगा कि मैं आपको सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं और मैं समझ जाऊं कि नहीं यार इसको आता है. समझ में आ रहा है, आपने डिग्री तो हासिल किया 4 साल में और आप इंटरव्यू देते के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो क्या गारंटी कि आधे घंटे में आप मुझे प्रूव करो, यू प्रूव मी कि यू नो दिस, ये आपको आता है, कैसे आप मुझे बताओगे. देन योर स्किल्स आर रिक्वायर्ड. वहां पे जाके हम लोग बोलते हैं कि सर स्किल्स रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल आपने 10th में स्कोर कर लिया, सोशल स्टडीज में स्कोर कर लिया, मैथ्स में स्कोर कर लिया, बट मैं कैसे पहचानूं कि आपको सच में मैथ्स आता है क्या, आपको सच में सोशल स्टडीज आता है क्या, आपको सच में साइंस आता है क्या, मैं कैसे मान लूं? तो मैं आपको चेक करता हूं. तो चेक करने के लिए लोग क्या देखते हैं, वो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि जब आप कोई भी डिग्री आप आगे करो, वट एवर द डिग्री दैट यू वॉन्ट टू डू, वट एवर, कोई भी बोल रहा हूं मैं, कोई भी जब आप डिग्री करोगे तो आपको ये चीजें हमेशा काम में आने वाली. जो मैं बता रहा हूं ना आज, इसको आप लिख के ले लो कहीं पे, राइट इट डाउन समवेयर, स्क्रीनशॉट्स निकाल के लो. ये चीज आपको आज से 3 या 4 साल के बाद आप बोलोगे नहीं सर, हिपर ये सर ने बताया था, आज मुझे ये करना ही पड़ रहा है. इट इज नीडेड एंड वेरी मच नीडेड, देयर इज नो ऑप्शन, इसको मैं छोड़ नहीं सकता. मैं आपको वैसी चीजें बताने वाला. इज एवरीबडी रेडी टू अंडरस्टैंड दैट? सब लोगों को लगता है ये जरूरी है आपके लिए, यस और नो? हमें ये स्टार्ट करना चाहिए ऐसा लगता है सब लोगों को? पुट इट इन द चैट बॉक्स विद वाई और एन क्विकली. Quickly, there are 55 students. मैं expect करता हूँ कि 55 के 55 बच्चे मुझे answer करते. Right? Okay. With this enthusiasm, जो आप मुझे आज enthusiasm दिखा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप 12th में होने के बाद भी आपको लगता है कि सर ये चीजें जरूरी है और ये सीखना भी जरूरी है, ठीक है ना? और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, skills overnight develop नहीं होता है. Skill एक रात में develop नहीं होता है. आप एक रात में exam pass कर सकते हो पढ़ के, बट स्किल डेवलप नहीं होता है. स्किल डेवलप करने के लिए इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस. आपको आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसा स्किल डेवलप करना है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, कहीं आगे जाके मैं वो स्किल एक्वायर कर पाऊंगा. ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो. स्किल डेवलपमेंट इज नॉट अ ओवरनाइट जॉब, एक रात का काम नहीं है. ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर में उसको लाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलपमेंट जो है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहला स्किल जो आज के मार्केट में रिक्वायर्ड है बाय एनीबडी, एनीबडी, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आप प्यून बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप नेता बन जाओ, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यू बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग. यहां पे सबसे पहला जो रिक्वायर्ड स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल. फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं, आप गए डॉक्टर के पास, एक एग्जांपल पूछता हूं मैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले आपसे, क्या करता है वो, आपसे बात करता है कि नहीं, आपसे पूछता है वो, क्या आते आते बिल्कुल आपको स्टेथोस्कोप लगा के चेक करने लगता है कि क्या बोलता है, और बेटा कैसे हो, क्या हो गया, कल क्या खाना खाया, क्यों हो गया, कहां गया था, ठीक है बेटा टेंशन मत ले, एक स्माइलिंग फेस देता है. आपने देखा कभी भी डॉक्टर एक स्माइलिंग फेस देता है? क्या बोलते पहले, अगर आप मराठी में सुन रहे हो तो मैं आपको बोलता हूं, काळजी करू नका,
अगर आप हिंदी में सुन रहे हो तो क्या बोलते हैं? टेंशन मत लो. अगर आप इंग्लिश में सुन रहे हो तो क्या बोलते हैं? डोंट टेक टेंशन. सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. ये डॉक्टर को सिखाया जाता है कि पहला काम आपको मरीज में, जो सामने जो बैठा है ना, उसके मन में कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है. तो सबसे पहले कैसे आया भाई कॉन्फिडेंस? आपने कुछ बोला, आपने उसको सुना. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइफ में स्किल कौन सा रिक्वायर्ड है? दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कम्युनिकेशन स्किल. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है पता है क्या? लिसनिंग. लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, बहुत. आजकल मैक्सिमम लोग क्या हो गए पता है क्या? इंपेशेंट हो गए. इंपेशेंट, इंपेशेंट का मतलब क्या है? पेशेंस ही नहीं है. लोग क्या करते हैं? सुनते नहीं है सामने वाले को, सिर्फ अपना ही बोलना है. मैं ही सही हूं, मैं ही जो बोल रहा हूं वो सही है. सुनना ही नहीं है सामने वाले को. जिस दिन आपने सामने वाले को सुनना बंद किया, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लाइफ में सबसे पहला ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, गांठ बांध के रख लो. गांठ बांध के रख लो. लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं कर रहा हूं ना यहां पे कान में डाल के रखा, देखो, लिसनिंग. मैं हियरिंग नहीं बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई एम नॉट सेइंग हियरिंग, आई एम नॉट सेइंग हियरिंग. वी आर नॉट हियर टू हियर, वी आर हियर टू लिसन. लिसन का मतलब होता है सुनना और समझना. समझ में आ रहा है? लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना और समझना. हियरिंग का मतलब होता है सुनना. तो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सामने वाला क्या बोल रहा है पहले उसको समझो. अगर आप सामने वाला क्या बोल रहे हो उसको समझे ही नहीं, आप उसको क्या सर्विस दोगे? आप जॉब करने गए, आपने एक बड़ा बिजनेस खोल लिया, क्लाइंट को क्या चाहिए? अगर आप नहीं समझ पाए तो आप क्या कर लोगे उसके साथ? आप तो कुछ गलत ही करोगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लाइफ में? लिसनिंग. पेशेंस रखो, पेशेंस, समाधान, सुनना सामने वाले को बहुत जरूरी है. एवरीबडी एग्रीज विद दिस कि सबसे पहला स्किल जो आपको डेवलप करना है वो क्या करना है? लिसनिंग. जो अभी आप मेरा सुन रहे हो, मेरा सिर्फ सुन रहे हो कि समझ रहे हो? आर यू लिसनिंग और हियरिंग? एल और एच, मुझे एल और एच में रिप्लाई करो. आर यू पीपल लिसनिंग टू मी और हियरिंग टू मी? क्या कर रहे हो आप? लिसनिंग कर रहे हो कि हियरिंग कर रहे हो? एल और एच. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो सब लोग लिसन कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ सुन नहीं रहे, उसको अपने दिमाग में बिठा भी रहे हो, समझ भी रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ. लाइफ में सबसे पहला मंत्र है. मैं बोलता हूं ना, आप किसी के पास गए वो क्या बोलते हैं? सर हमको कुछ तो मंत्र दो. मैं आपको पहला मंत्र दे चुका हूं, लिसनिंग. सबसे पहला मंत्र क्या है? सुनो. पहला सुनने की आदत डालो. जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं, आप उसको मदद नहीं कर सकते, आप कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, एंड यू कैन नॉट बिकम अ गुड लीडर. पहला सुनना सीखो. दूसरा, एक बार आपने उसको सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद आपको बोलना आना चाहिए. अब बोलने का मतलब क्या? सर इंग्लिश में बोलूं तो ही चलेगा क्या? तो ऐसा नहीं. मैं आपको पहले बता देता हूं, इंग्लिश में सुनना ही या इंग्लिश में बोलना ही लाइफ का एम है, ऐसा कहीं पे भी नहीं. कम्युनिकेशन हैज नथिंग टू डू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज. कम्युनिकेशन का और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई नाता नहीं है. जैसा मराठी है वैसा इंग्लिश है, जैसा हिंदी है वैसा कन्नड़ है, वैसा बंगाली है, वैसा पंजाबी है, वैसा जो भी है, मारवाड़ी है, जो भी है, सारे लैंग्वेज अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है. आप कहाँ पे हो उसके हिसाब से आपको इंग्लिश बोलना है या मराठी बोलना है या कन्नड़ बोलना है या इंग्लिश बोलना है. तो जितने लैंग्वेज सीखोगे उतना फायदा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछोगे तो सर मेरे को कन्नड़ आता है, मेरे को हिंदी आता है, मुझे इंग्लिश आता है, मुझे मराठी नहीं आता है, बट चालणार का? आता मी सोलापूर मध्ये आहे, मी मराठी सोडलं तर चालणार का मला सांगा? ते होईल का मला? मी मार्केट मध्ये गेलो, मी हिंदी में इंग्लिश में बात कर रहा हूं उसके साथ, भाजीवाले के साथ, चालणार का ते? यस और नो? बरोबर आहे. मग कुठेतरी मला, मी ज्या जागेवर आहे त्या लँग्वेज मला शिकवला लागेल, तो मैं सीख गया. भले मेरी टूटी फूटी मराठी रहेगी, अभी आपने सुना होगा, बट मैं सीखने की कोशिश करता हूँ. क्यों करता हूँ? मुझे मालूम है मुझे सोलापुर में रहना है तो मुझे मराठी आनी ही चाहिए. तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप कितने अच्छे से सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं. आप आज मुझसे पहली बार बात कर रहे हो, बरोबर है? आप आज मुझे पहली बार सुन रहे हो कि नहीं? आपको अच्छा लग रहा है या मतलब आर यू फाइंडिंग इट गुड और बैड? आज जब आप मुझे सुन रहे हो तो आपको गुड लग रहा है कि बैड लग रहा है, मुझे बोलो. जी और बी, जल्दी से. वेरी नाइस, गुड रिप्लाई. गुड लग रहा है. क्यों गुड लग रहा है भाई? क्योंकि मैं आपके लेवल तक उतर रहा हूं, मैं आपके दिल में उतर रहा हूं. जब आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो सामने वाले के दिल और दिमाग में उतरना जरूरी है. क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जब मैं बोल रहा हूं ना, तब आपको
दिल और दिमाग में उतरना जरूरी है। जिस दिन आप दिल और दिमाग में उतर गए, आप कुछ भी कर लोगे, सामने वाले से आप कोई भी काम निकलवा सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार अठोड़ी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिल और दिमाग में उतरना जरूरी है। मेरे बोलने के बाद अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। मेरा बोला हुआ अगर सामने वाला नहीं सुनता, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो किसका प्रॉब्लम है? उसका नहीं, मेरा प्रॉब्लम है, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करो, जैसा मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ वैसा स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास नहीं, आपके पास होंगे, बट और उसको कितना अच्छा कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट। सुधरने के लिए कोई लिमिट ही नहीं है ना, क्या लिमिट है बोलो मेरे पास सुधरने के लिए? दुनिया में बहुत कुछ है काम करने के लिए। तो एक चीज सीखा तो दूसरे पे काम करो, दूसरा सीख गया तीसरे पे काम करो, जिंदगी भर काम ही करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। आई नीड टू वर्क डे एंड नाइट, व्हाट इज ऑप्शन आई हैव गॉट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन डू, ओनली द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन डू इज दैट मोर इंप्रूवमेंट। आज मुझे अगर इंग्लिश बोलना आता है तो मैं और अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ? आज अगर मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है तो मैं अमेरिकन एक्सेंट में बोल सकता हूँ क्या? मैं ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोल सकता हूँ क्या? मैं जर्मनी के एक्सेंट में बोल सकता हूँ क्या? मैं चाइनीज एक्सेंट में बोल सकता हूँ क्या? तो सीखो ना, अगर आपको जरूरत है तो। मैं कल को जर्मनी में जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखना है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, यू नीड टू, आपको सीखना ही पड़ेगा, तो बोलना आना चाहिए आपको। एंड द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज इज राइटिंग स्किल्स, क्योंकि आजकल जब हम लोग कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग किसमें कम्युनिकेट करते हैं? मेल लिखते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन थ्रू मेल। आज की तारीख में सबसे ज्यादा हम लोग जो काम करते हैं वो मेल के ऊपर करते हैं, या व्हाट्सएप में चैट करते हैं। अभी आप चैटिंग कर रहे हो मेरे साथ, व्हाट्सएप में चैट कर रहे हो। अगर मुझे राइटिंग स्किल्स नहीं आता, अगर मुझे पता ही नहीं क्या लिखना है, तो मैं लिसनिंग कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, बट फाइनली मेरा कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ अगर मेल के ऊपर है, अगर मुझे उसे ईमेल लिखना है, अगर मुझे उसे लेटर लिखना है, अगर मुझे उसके उसको कहानी सुनानी है, तो कैसे सुनाऊंगा भाई? मुझे मुझे राइटिंग स्किल भी आनी चाहिए। तो आप लोगों को जैसे आपका सीईटी खत्म होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, जैसे आपका, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, लगे आज ही मत चालू कर देना, आज आपका ये टारगेट नहीं है, आज आपका टारगेट पहला सीईटी देना है। जिस दिन आपका सीईटी खत्म होगा तो धीरे धीरे इन पे काम करना स्टार्ट करना। पहला जो मैंने तीन मंत्र दे दिया कम्युनिकेशन स्किल में, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड देन राइटिंग, ठीक है? कब करोगे? कब करोगे? जिस दिन आपका सीईटी का एग्जाम खत्म होगा, इमीडिएटली स्टार्ट एलएसडब्ल्यू। वेरी नाइस ऋतुजा, एलएसडब्ल्यू पे काम करना है आपको। सब लोग खुश है? सीईटी के बाद बेटा, सीईटी के बाद ही करना है, अभी मत करो। कौन से वक्त पे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत वक्त पे अगर मैं कितना भी अच्छा काम करूं उसको गलत ही बोला जाएगा। सही वक्त पे सही काम करना जरूरी है, गलत वक्त पे मैं कुछ भी करूंगा वो गलत ही होगा, इट विल बी वेरी रॉन्ग। सही वक्त पे सही जगह पे सही काम करना जरूरी है। तो अभी आपका मेन एम है, क्या मेन एम है भाई आपका? आपका मेन एम है कि आप अपनी सीटी की तैयारी करो, एंड वंस यू कंप्लीट दैट देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दीज थिंग्स, इमीडिएटली स्टार्ट करना है, टाइम मत लेना उसके बाद, उसके बाद एक दिन भी मत रुकना। आज दोपहर को एग्जाम खत्म हो गया है, अगर हुआ तो मुझे कॉल करना है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है, बट स्टार्ट जरूर कर देना, ठीक है? वी विल हेल्प यू, हम लोग आपकी मदद करेंगे, कोई कोई टेंशन मत लो। मैंने आपको बोला ना, डॉक्टर जैसा बोलते हैं ना वैसा है, कोई टेंशन मत लो, आप आ जाओ हमारे पास, हम करेंगे आपके लिए जो करना है, डन, ठीक है? फर्स्ट स्लाइड सबको समझ में आ गया? अब मुझे आपको जो रिप्लाई करना है ना, नंबर दूंगा, अमर नंबर दूंगा लास्ट में, डोंट वरी। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब मुझे आपको रिप्लाई करना है, आर यू फीलिंग हैप्पी आफ्टर दिस स्लाइड और यू आर फीलिंग सैड? अभी आप खुश महसूस कर रहे हो कि आप दुखी महसूस कर रहे हो कि यार मैंने क्लास क्यों अटेंड कर लिया आज? कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट स्लाइड के बाद? हाउ यू आर फीलिंग, हैप्पी और सैड? थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं आपसे जब आपको इनपुट मिलता है तो मैं आगे क्या बोलना है मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ। वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट टू ऑल, आई होप दैट एवरीबॉडी इज हैप्पी नाउ, ठीक है? शैल वी मूव टू द सेकंड स्लाइड, शैल वी गो फॉर द सेकंड स्लाइड देन, शैल वी गो फॉर द सेकंड स्लाइड देन? ओके ओके, चलेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये एनर्जी एंड तक कायम रखना, एनर्जी बहुत जरूरी है सीखने के लिए, बहुत जरूरी है एनर्जी। माई लाइफ इंपॉर्टेंट लेक्चर सर, थैंक यू अमर, थैंक यू। फीडबैक हम बाद में लेंगे जरूर आपसे, ठीक है ना? तब आप बताना आपको कैसा लगा। ओके, अभी आप लोग खुश महसूस कर रहे हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इज इंटरपर्सनल एबिलिटीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इंटरपर्सनल एबिलिटीज, इंटरपर्सनल एबिलिटीज का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल।
जब हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं ना, दो लोगों के बीच की बात करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं उसको इंटरपर्सनल, दो या दो से ज्यादा। इंट्रा होता है जब मैं अपने आप को अंदर से सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटर तब होता है जब मैं दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, आप ये सारे मतलब जो भी एरो मार्क लिखा है उस पर ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। वो लिखा है वो, ये पूरा का पूरा कोर्स अगर हम लोग करने गए तो मेरे को कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए, तब मैं आपको इसको डिटेल में समझा पाऊंगा। बट अभी जो मैं आपको 1 घंटे में समझाने जा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी चेंज करेगा। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ टर्निंग मोमेंट होगा आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब आप दूसरों के साथ बात करते हो या दूसरों के साथ काम करते हो। और आज की डेट ऐसी है, टुडे इज द थिंग व्हेन आई अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कितना भी इंटेलिजेंट, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बन जाऊं ना तो भी मुझे किसी के साथ काम करना पड़ेगा। आप कोई भी आप अपना टारगेट चूज कर लो लाइफ में, कोई भी एम चूज कर लो, आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू वर्क विद द अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ आपको डेफिनेटली काम करना ही पड़ेगा। मैं टीचर बन गया तो मैं बच्चों के साथ वर्क कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो मेरी एक टीम रहेगी, मुझे अपने मतलब क्या बोलते हैं क्लाइंट के साथ बात करना पड़ेगा। मैं टाटा मोटर्स में चला गया सर, मैं बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया सर, मैं जिंदल में चला गया सर, मैं टाटा में चला गया, मैं किसी में भी चला गया, एक्स वाई जेड पे, ठीक है ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं टीम में काम करना पड़ेगा। मैं आज एरोप्लेन का भी डिजाइन करता हूँ तो भी मुझे किसी ना किसी के साथ काम करना पड़ेगा। मैं आज डॉक्टर बन गया तो भी मुझे किसी ना किसी के साथ बात करना पड़ेगा, मेरी टीम को मुझे मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, ध्यान दो इधर, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। जब तक आप टीम में काम नहीं कर सकते, बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं, मैं अकेला ही पढ़ूंगा, मैं अकेला ही रहूंगा, मैं जिंदगी अकेले ही निकालूंगा, तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, इट्स अ वेस्ट, मेयर वेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप सोशल नहीं हो, सोशल, मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, सोशल, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। अगर मैं सोशल नहीं हूं, मैं अपने अपने में अकेला ही रह गया तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगा या कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू शुड स्टार्ट नोइंग हाउ टू वर्क इन अ टीम। और टीम में जब भी आप काम करते हो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, टीम में जब भी आप काम करते हो तो आपको एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूं और मैं जो पूछने जा रहा हूं उसका मुझे उत्तर देना। आप घर में, आपकी फैमिली है 3-4 लोग, 3-4 लोगों की फैमिली है, आपकी सोच में मतभेद नहीं होते क्या? यस और नो, आपकी सोच में मतभेद होते कि नहीं होते? यस और नो, फ्रैंक आंसर देना। आपका आपके भाई के साथ, आपके बहन के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपके माताजी के साथ, या जो भी घर पे है, आपकी सोच में और उनकी सोच में मतभेद नहीं होते क्या? होते हैं ना मतभेद, आपको कुछ और ठीक लगता है, उनको कुछ और ठीक लगता है, होता है कि नहीं होता है? ओके, वेरी गुड, एवरीबॉडी एक्सेप्टेड इट। तो आप उनके साथ रहना छोड़ देते हो क्या? डू यू लीव देम एंड देन गो अवे? आप नहीं, मैं नहीं रहूंगा, मैं घर पे नहीं रहूंगा, मेरे को इससे बात ही नहीं करनी है, आप छोड़ दोगे उनके साथ रहना, ठीक है ना। तो आप कैसा बिहेव करते हो? यू आर बिहेविंग लाइक अ टीम टुगेदर, आप एक हो, भले कितने बड़े झगड़े हो जाए लेकिन आप फिर फाइनली एक साथ आते हो। क्यों? क्योंकि यू नो, यू बिलीव इन योर फादर मदर, यू बिलीव इन योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू बिलीव इन योर फैमिली। आपको मालूम है कल को जब तकलीफ होगी यही लोग खड़े होंगे मेरे साथ। और क्यों खड़े होंगे? क्योंकि आपकी टीम स्ट्रांग है, आपकी टीम स्ट्रांग है, आप बचपन से उनके साथ हो, आपकी टीम स्ट्रांग है, उनको आपको मालूम है मेरे को कल को मैं कुछ भी गलती करूंगा तकलीफ हो जाएगी तो सबसे पहले मेरे माँ बाप ही मेरे बाजू में खड़े होंगे, सबसे पहले मेरा भाई बहन ही मेरे बाजू में खड़ा होगा। यस और नो? तो उस बिलीफ पे आप क्या करते हो, अपना छोड़ के वापस से काम पे लगते हो। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू व्हेन वी आर वर्किंग इन अ टीम। आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो उसको अपना फैमिली मेंबर मानो, उनका डेवलपमेंट आपका डेवलपमेंट है। मैं अकेला नेता बन जाऊंगा तो नहीं चलता है, मुझे उनको साथ में लेके बढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटरपर्सनल स्किल्स। अपना नहीं, अपने साथ वालों का भी सोचो। सिर्फ मैं अगर अपना ही सोचने लग गया, मेरे पास पैसे आ गए, मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं सब कुछ हो गया, और बाजू वालों का छोड़ दूं, तो मेरे साथ रहेगा क्या कोई? कोई मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो क्या? मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, मैं आपको मेरे साथ लेता हूं और मैं खुद ही बड़ा बनते जा रहा हूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। सी, यू पीपल आर रिप्लाइंग, आप तो सिर्फ 17 साल के बच्चे हो, आप लोग इतना अच्छा रिप्लाई कर रहे हो कि नहीं चलेगा सर। तो लाइफ में इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप दैट एवरीबडी इज रिप्लाइंग, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। 57 पीपल आर देयर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल द 57 पीपल विल बी गेटिंग इन्वॉल्व विद मी। ठीक है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ दिस इज द सेकंड स्किल दैट यू नीड टू डेवलप। क्या?
टीम पे काम करना, सामने वाले को समझना, अगर उसकी गलती हो गई है तो उसको समझाना, वापस से उसको काम पे लगाना, आप खुद काम करना, उसको बोलने से पहले आप खुद उतरो उस जगह पे, जिस जगह पे आप काम करना चाहते हो पहले खुद उतरो, उसको समझाओ कैसे करना है। जब तक आप खुद वो चीज को जानते नहीं तब तक आप किसी को समझा नहीं सकते। तो इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों से बात करना, समझना, कुछ झगड़े हो गए तो उसको, मैं यहाँ पे लिखा देखो मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैंने बोला ना मतभेद होते हैं, उसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है ना। आप अपने आप को अडेप्ट करो सामने वाले के साथ, कभी कभी होता है कि आपको उनके जैसा काम करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए ताकि वो आपके साथ मिल जाए और फिर आप उनको अपने जैसा काम करवा के लो। दिस इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल स्किल्स। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेंटेन। एवरीबडी इज क्लियर विद द सेकेंड स्लाइड? एवरीबडी इज क्लियर विद द सेकेंड स्लाइड? गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। नाउ विल गो फॉर द थर्ड स्लाइड। अब मैं आपको थर्ड स्लाइड में लेके जाता हूं। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिर्फ आपको मुझे वो क्वेश्चन का उत्तर देना है। मेरे को देखने के बाद जब आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मेरे को सुन रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपको मेरा कॉन्फिडेंस हाई लगता है, एच लगता है, हाई लगता है या लो लगता है और एल लगता है? मेरा कॉन्फिडेंस आपको हाई लगता है या लो लगता है? थैंक यू ऑल। आपको मेरा कॉन्फिडेंस हाई लग रहा है, किसी को लो नहीं लगा? मैं बोलू क्या क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं जो करता हूं ना उससे पहले मेरा प्रिपरेशन रखता हूं। मैं यही स्लाइड्स कम से कम 100 बार घुमा चुका हूं बच्चों को, बट जब भी मैं नया कुछ करने जाता, जब मेरे सामने देखो, अभी आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तो मेरा जो एटीट्यूड रहता है ना वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के हिसाब से होता है। जब मैं यही इंजीनियरिंग वालों को लेता हूं तो अलग रहता है, जब मैं यही टीचर्स के लिए लेता हूं तो अलग रहता है, यही मैं अगर किसी और, तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं डायरेक्टली यही स्लाइड दूसरों को घुमाऊंगा तो ऐसा नहीं। अगर मैं यही 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बात करूंगा तो इस लेवल पे मैं बात नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग रहता है। आप कोई भी काम उठाओ, सिर्फ उसके लिए मेहनत करने की तैयारी रखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस गजब का होगा। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। तैयारी रखो ना, रात को 2 बजने 2 सर मैं काम करूंगा, आज रात सर मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं काम करने को रेडी हूं। अगर आप में इतनी ताकत है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। डर किस चीज का है मुझे बताओ, डर किस चीज का है? मैं क्यों नहीं अपने आप पे विश्वास रखो ना। देखो क्या लिखा मैंने वहां पे, बिलीव योर सेल्फ द फर्स्ट थिंग इज दैट आई कैन डू इट। जब कोई भी एक इंसान कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर कोई भी इंसान ये काम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत, थोड़ा सेक्रीफाइस लाइफ में टाइम का, जो मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं शायद वो छोड़ के मुझे अलग से बैठ के थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, तो मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, वेरी सिंपल, एक लाइन में बोलता हूं, काम करने की तैयारी रखो बस। दुनिया का हर काम पॉसिबल है, ओनली द थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू स्ट्राइक ऑन द, मतलब मेरे को करना ही है सर, जो होगा सो देखा जाएगा सर। डर किस चीज का है? फेल होने का डर है। कौन फेल नहीं हुआ लाइफ में? सब्जेक्ट में फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब्जेक्ट में तो होते रहते, पास हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बट लाइफ में फेल हुए लोग। आपको एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या करना चाहते थे वो, व्हाट ही वांटेड टू बी, किसी को मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मतलब क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे सर, किसी को मालूम है? What was the aim of Dr. APJ Abdul Kalam? नहीं मालूम है तो नहीं बोलो, मैं आपको बताता हूँ, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास एक ही घंटा है, बहुत कुछ बताना है। अगर नहीं मालूम है तो नो बोल दो, ओके आपको मालूम नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉन्टेड टू बी पायलट। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर वॉन्टेड टू बी पायलट। बने क्या पायलट? वो फुल टाइम पायलट बने क्या? मुझे बोलो, फुल टाइम पायलट बने क्या? नहीं बने। हाँ, उनको एरोप्लेन चलाना आता था, वो बात अलग हो गया, बट ही वॉज नॉट अ फुल टाइम पायलट। तो ये उनके लाइफ का फेलियर नहीं हुआ, मेरा सपना जो है मेरे को करना है, मैं नहीं कर पाया तो मैं फेलियर नहीं हुआ क्या? तो साहब उधर ही रुक गया क्या? अब्दुल कलाम साहब उधर ही रुक गया क्या? नहीं रुके अब्दुल कलाम साहब, वहां पे रुके नहीं। अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि मुझे किसी और चीज के लिए बनाया गया। फाइनली ही डिजाइन द एरोप्लेन, सी ही डिजाइन द एरोप्लेन, ही वर्क इन DRDO,
सबसे बड़ी चीज है डीआरडीओ में काम करके मिसाइल का डिजाइन बनाना, मिसाइल को लॉन्च करना, हाँ सैटेलाइट को लॉन्च करना कोई मजाक थोड़ी ना है। पायलट तो बहुत लोग बन गए होते हैं, बट जो उन्होंने मतलब हासिल किया कितनी बड़ी बात है। तो फेलियर तो होने वाले लाइफ में यार, लेकिन उनसे उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ क्या? उनको मालूम था कि अपने ऊपर भरोसा था उनको कि मैं मेहनत करूंगा तो कुछ और अच्छा कर ही दूंगा, किया उन्होंने। एलॉन मस्क सुना? एलॉन मस्क, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न लिसन अबाउट एलॉन मस्क? एलॉन मस्क का नाम सुने जो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूं, सुना है कुछ लोगों ने? सुना है, वेरी गुड, वेरी नाइस। एलॉन मस्क मुझे बताओ, एलॉन मस्क हमेशा पास ही होता रह गया लाइफ में? एलॉन मस्क का तीन बार लॉन्चिंग फेल हुआ उसका, तीन बार। मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, तीन बार लॉन्चिंग फेल हुआ। भिखारी बन गया था, भिखारी, पैसे नहीं थे उसके पास, खत्म हो गए थे पैसे, पूरी जीजन लगा दी थी उसने, मतलब पैसे खत्म हो गए थे। आज कौन है बोलो वो? आज कौन सी कंपनी का मालिक है बोलो मुझे वो? एलॉन मस्क कौन सी कंपनी का मालिक है? टेस्ला। सी, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ नाउ। आज वो सबसे अमीर आदमी है। टेस्ला जैसी कंपनी, टेस्ला एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है उसकी, उसमें से एक कंपनी टेस्ला वो ओन करता है अभी। उसने सपना बनाया, मैं लोगों को मार्स तक भेजूंगा। सोचो कितनी बड़ी सोच है, छोटी सोच नहीं है। मैं तैरने जा रहा हूं सर, मैं सीख लूंगा, मैं मार्स को जा रहा हूं सर। उसका सपना है कि मैं लोगों को मार्स में भेज के रहूंगा, और वो उसकी तैयारी कर रहा है। आज सबसे रिचेस्ट मैन है। कहां पे था वो? कहां पे था? उसके पास पैसे नहीं थे, वो दोस्तों से खाना खाया उसने, दोस्तों से मांग के। अब अगर उसका कॉन्फिडेंस उस दिन मतलब लूज हो जाता या वो लॉस कर लेता, तो आज इतना बड़ा आदमी बन सकता था क्या वो? किसके पास फेलियर नहीं है? अमिताभ बच्चन वाज अ फेलियर, अमिताभ बच्चन की कंपनी डूब चुकी थी। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी एक्टिंग का, मेहनत का, आज मेहनत करता है कि नहीं वो बंदा? आज भी 10-10 घंटे काम करता है कि नहीं? अमिताभ बच्चन को क्या कम है बोलो मुझे? आज भी वो 10-10 घंटे काम करता है कि नहीं? किस पे भरोसा है उसको? कॉन्फिडेंस कैसे आया उसको? अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है उसको। मैं कर सकता हूं, मैं 4 बजे उठ सकता हूं, मैं काम करूंगा सर, उसमें मेहनत है। सचिन तेंदुलकर वाज अ फेलियर, क्रिकेट का भगवान माना गया उसको एक दिन, कौन फेल नहीं हुआ यार? तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपने पे भरोसा रखो। जब तक आप में मेहनत करने की ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे भाई? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे भाई आप? यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ कि आई कैन डू इट। एंड मैं दिन लगने दो, रात लगने दो, सर ये मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन आपके मन में ये बात बैठ गई ना, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते, कोई भी काम कर सकते। इज इट क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर एवरीबडी? यहां तक सबको समझ में आ गया? मेरे को आपका रिप्लाई चाहिए। आप मुझे एनर्जी दोगे, आप जितनी एनर्जी दोगे मैं उतना आपको सिखाऊंगा आज। अगर आप शांत हो गए तो फिर मैं और शांत हो जाऊंगा। मुझे आपसे एनर्जी चाहिए, मेरे लिए आप भगवान हो अभी। आप जितनी एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी मैं लूंगा, और उतना अच्छा मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके, चलो, वेरी गुड, थैंक यू। अब चौथा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसके पास नहीं है ना, वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, वो गिरेगा जरूर। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, आदमी को एक जगह पे पहुंचने के बाद घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है उसको, वो एथिक्स भूल जाता है, वो इंटीग्रिटी भूल जाता है। जिस दिन आप ऑनेस्टी, एथिक्स, इंटीग्रिटी जिस दिन आप भूल गए ना, उस दिन आप बहुत जल्दी नीचे गिरोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विजय मल्ल्या के पास बहुत पैसे है, राइट? विजय मल्ल्या के पास बहुत पैसे है। आप में से कितने लोग विजय मल्ल्या बनना चाहते हैं मुझे बताओ? आप में से कितने लोग विजय मल्ल्या बनना चाहते हैं मुझे बताओ? यस और नो? विजय मल्ल्या आप में से कितने लोग बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहते पता है क्या? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर रिप्लाइंग नो। क्यों नहीं बनना चाहते पता है क्या? क्योंकि आपको मालूम है उसने उसने अपना एथिक्स खो दिया। पहला, उसने इंटीग्रिटी नहीं दिखाई अपने देश के साथ, वो ऑनेस्ट नहीं था, समझ में आया? आप में से कितने लोग हिटलर बनना चाहते मुझे बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम हिटलर? वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द एरा, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। आप में से कितने लोग हिटलर बनना चाहते मुझे बताओ? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि उसने जो किया, देखो फाइनली ही वाज अ लीडर। मैं हिटलर सही है गलत है मैं ये नहीं बोल रहा, वो लीडर था, उसने पूरे वर्ल्ड पे राज किया ऑलमोस्ट था, लेकिन उसका जो तरीका था, उसके जो एटिकेट्स थे, एथिक्स थे,
जो उसकी इंटीग्रिटी थी, जो ऑनेस्टी थी, वो लोगों के साथ कम थी, इसलिए लास्ट में उसको फेलियर मिला। इसलिए आखिरी में जाके क्या किया उसने, आत्महत्या किया ना, करना पड़ा उसको, ऑप्शन नहीं था उसके पास, क्योंकि द थिंग दैट ही डिड, उसको अपने गुरूर, अपना घमंड, अपने आप को बड़ा करने के लिए उसने बहुत कुछ काम किया, पैसा भी कमाया, पूरी दुनिया पे राज किया, बट फाइनली मिला क्या उसको? ठीक है, भगत सिंह ने भी आत्महत्या किया, बट भगत सिंह को आप बोलोगे क्या कि सर मैं भगत सिंह नहीं बनना चाहता, क्यों? उसने भी आत्महत्या किया, लेकिन उसने आत्महत्या इसलिए किया ताकि मैं इन लोगों के हाथ में ना लगूं, बट जब तक उसने जो काम किया उसने वो प्राउडली किया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्राउडली किया उसने, क्योंकि वो ऑनेस्ट था, उसका देश के साथ इंटीग्रिटी था, उसका अपना एक एथिक्स और एटिकेट था, वो छोड़ के भाग के नहीं गया किसी को, जब तक फायदा हो रहा है तब मैं हूं सर, जब फायदा खत्म हो गया मैं भाग जाऊंगा सर। आप लाइफ में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ आपको कोई पूछेगा नहीं, एक ना एक दिन आप गिरोगे जरूर, ठीक है ना? तो एथिक्स और इंटीग्रिटी, कोई देख नहीं रहा बोल के मैं गलत काम करूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सर कोई नहीं देख रहा है, मैं 10 रुपए चुरा लूं क्या किसी का? नहीं, किसी के 10 रुपए को हाथ लगाने से पहले भी 10 बार सोचना कि वो मेरे पैसे नहीं है, भले कोई देख रहा है या कोई नहीं देख रहा है। अपने आप के साथ सच्चे रहो, आप जितने अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहोगे उतना आप दुनिया के साथ ऑनेस्ट रहोगे। जिस दिन आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो दुनिया के साथ ऑनेस्टी लेके करना भी क्या है? The very first and important thing is that you should be honest. ठीक है, ethics and integrity. तो ये बहुत required है आज की तारीख में। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप जिस दोस्त के साथ काम कर रहे हो, आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो, उनके साथ इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एथिक्स, आकांक्षा says, wow, sir, बहुत अच्छा बता रहे हो आप, थैंक यू सो मच। या आकांक्षा थैंक यू, बट आई टेक द फीडबैक एट द एंड, मैं चाहूंगा तब आप मुझे ये फीडबैक दो। ठीक है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है मैं वो बताने जा रहा हूं अभी आपको, लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टास्क है अपनी गलती को मानना, सीखना और उसको सुधारना। तीन चीज बोल रहा हूं, अपनी गलती अगर हो गई है तो उसको मानो, गलती से सीखो और उसको सुधारो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज जिसके पास है ना वो नेवर एंडिंग आदमी है, वो आदमी नेवर एंडिंग है। मेरी गलती हो गई, मैं मानने को रेडी नहीं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई और अगर आपने माना नहीं उसको, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप उसको छुपाना जानते हो तो यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग विद योर सेल्फ एंड विद एवरीबडी। गलती हो गई है, सामने आओ, मानो कि सर ये मेरे से गलती हो गई है, फिर क्या करो उससे? सीखो उससे, जो आपने गलती की उससे सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन चेंज द मिस्टेक। जो आपने गलती करी है उसको चेंज करो, इंप्रूव करो अपने आप को। एवरी डे यू शुड बी अ न्यू ह्यूमन बीइंग। हर रोज मेरे में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, मैं गलतियों से सीखूंगा, सुधरूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो मैं हमेशा अपने आप को डेवलप कर रहा हूं। मैं रोज कुछ तो नया कर रहा हूं, रोज कुछ तो नया सीख रहा हूं। तो क्या जरूरी है? टफ है, मैंने पहले बता दिया ये सबसे टफ है, एक्सेप्ट करना। आपने घर पे कोई गलती कर दी, जाओ अपने पिताजी के सामने खड़े हो जाओ। ऋतुजा सेज कि सर मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया सर आपसे, आपकी बातें सुन के। थैंक यू ऋतुजा, बट मेरा क्या कहना है, जिस दिन आपने घर पे कोई भी गलती कर दी, टीचर के साथ भी गलती कर दी, दोस्त के साथ भी गलती कर दी, जाओ उसके सामने खड़े हो जाओ, देख बेटा मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, देख भाई मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, मैं अपनी गलती मान करता हूं और मैं उसको सुधारने के लिए मुझे जो करना चाहिए तुम बोलो मैं करने को रेडी हूं। आप खुश हो जाओगे, आपके आपके सर में से बहुत बड़ा टेंशन चला जाएगा, ध्यान में रखो, आपके सर में से बहुत बड़ा टेंशन चला जाएगा। सर इसलिए ईगो नहीं होना चाहिए, दिस ऑल द ह्यूमन ईगो। या ईगो को साइड पे रखो, ईगो किसी के फायदे का नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोलना चाहिए, लोग बोलना चाहिए ये बड़ा आदमी है, और लोग तब बोलते हैं बड़ा आदमी है जब वो लोगों में उनको अच्छा ही दिखती है। मैं अब्दुल कलाम का इतना एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अब्दुल कलाम जब उनका देहांत हुआ था उनके पास पैसे भी नहीं थे, कितने पैसे थे आपको मालूम है? मतलब पेपर में आया था, बट आज भी अब्दुल कलाम, देखो विदाउट एनी कास्ट, मैं हिंदू हूं पहले बता रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं मतलब कास्टिज्म पे बिलीव करता हूं, मैं उस वो तो मैं फालतू चीज मानता हूं, मैं खुद हिंदू हूं, मैं अब्दुल कलाम को अपना आइडल मानता हूं। जिस दिन अब्दुल कलाम का देहांत हुआ उसके बाद से लेके आज तक जब भी उनका ये होता है स्मरण दिन होता है, कितने लोग उनका स्टेटस रखते हैं आपने चेक किया क्या? मरने के बाद वो आदमी देख भी नहीं रहा फिर भी आप लोग उसका स्टेटस रखते हो, बहुत लोग रखते हैं। क्यों रखते हो? आपने उस इंसान में सच्चाई देखी, धोखा नहीं देखा आपने, यस आपने उस इंसान में अपनी सच्चाई देखी, सच्चाई,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्चाई जिस आदमी में दिखती है ना, वो आदमी बड़ा होता है। तो इसलिए, और अब्दुल कलाम ने भी अपनी गलतियों से सीखा। अब्दुल कलाम ने जब पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था ना, जब लॉन्चिंग था ना, उनका गिर गया था, एंड ही वॉज द लीडर एट दैट टाइम, वो उस ग्रुप का लीडर था। समझ में आया कि नहीं? उन्होंने अपनी गलती मानी, उसको सुधारा, एग्जैक्टली एक साल में वापस से लॉन्च हुआ और वो सक्सेसफुल था। ध्यान में रखो, मेहनत, अपने आप पे भरोसा, गलती को मानना, सुधारना और आगे बढ़ना, ये एक ही चीज है जो हम इंसान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम भगवान नहीं है, वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बींग। गलती तो होगी, किससे नहीं होगी? मेरे से नहीं होगी क्या? मेरे से भी गलती होती है, लेकिन जो गलती मैं समझ चुका हूं कि ये गलती है, वापस से मैं उसको दोहराता नहीं। आई नेवर डू दैट द सेम थिंग अगेन, बिकॉज आई नो कि मैं उससे सीख चुका और मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। एवरीबडी इज हैप्पी विद दिस, एक्सेप्ट फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड गो अहेड। सुधारो अपने आप को, हर रोज सुधारो। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। अब्दुल कलाम लास्ट तक काम करते रहे, ठीक है? आप किसी भी आदमी को देख लो, जो आदमी सच्चाई पे काम करता है, जो मेहनत पे बिलीव करता है, वो आखिरी दम तक उसने काम किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, टिल द एंड ही वर्क, टिल द एंड ही वर्क, एल्बर्ट आइंस्टाइन टिल द एंड ही वर्क। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मैं आराम से रहता हूँ। आज अमिताभ बच्चन को देख लो यार, उसकी उम्र कितनी है, आज भी काम करता है कि नहीं करता है? कितने एडवर्टाइजमेंट है उसके, आज टीवी में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन के। कारण क्या है? वो आज भी मेहनत पे बिलीव करता है। मैं अमिताभ बच्चन का कोई फैन नहीं हूँ, ऐसा मत बोलना कि सर ये, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जहां से आप सीख सको। कोई मैं अमिताभ बच्चन का फैन नहीं हूँ, मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को मानता हूँ और उन लोगों को थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट स्किल दैट आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज, ये लास्ट स्किल नहीं, इसके बाद भी एक और स्किल है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है पब्लिक स्पीकिंग एंड लीडरशिप क्वालिटी। पब्लिक स्पीकिंग, आप में से बहुत लोग ऐसे जो क्लास के सामने आके बोलने के लिए भी डरते हो। क्यों डरते हो भाई, मुझे बताओ? सर ने बुलाया ना सामने आके, बेटा इसका आंसर दे, बिंदास जानेगा। शेर है और शेर ही रहेंगे एंड तक। शेर बनना सीखो, शेर, कॉन्फिडेंस के साथ सामने जाओ। भले गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया तो क्या, चार लोग हंसेंगे आज, बट आपको समझ में तो आएगा कि भाई जो मैंने बोला गलत है उसको मैं सुधार सकता हूँ। सुधारो, कल जब आप बोलोगे तो 100 लोग सुनेंगे उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज 4 लोगों के सामने गलती करो, लेकिन कल 1000 लोगों के सामने खड़े होने की ताकत रखो। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है? जब तक आप स्टेज पे आके बोलोगे नहीं, तब तक आपके मन से वो डर नहीं जाने वाला है। एक चीज ध्यान में रखो, आपको आना ही पड़ेगा सामने। मैंने बोला ना, जो चीज आपको चाहिए वो आपको करना ही पड़ेगा। मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है और मैं एक रूम पे बैठ के करूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा यार, आना पड़ेगा। और शेर के जैसा हो, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? गलती होगी। किसने गलती नहीं करी आज तक? मैं वही बता रहा हूँ आपको, गलती तो सबने करी है, फेल तो सब लोग हुए। आओ सामने, बोलो, गलती करो, सीखो, वापस से आगे बढ़ो। एंड लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर मैं 1 घंटा आपका लेक्चर ले सकता हूँ। मैं आज आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, लीडर वो होता है जब कुछ फेल हो गया तो वो अपने ऊपर लेता है। फेलियर मैं बता रहा हूं, लीडरशिप का सबसे पहला क्वालिटी बता रहा हूं, फेलियर आई बिकॉज ऑफ मी, सक्सेस बिकॉज ऑफ यू। सब आपके चलते हुआ है। शुभम MS धोनी बोल रहा है, आई नो। फेलियर खुद एक्सेप्ट करना है। आप लीडर हो, फेल हो गया तो मेरी गलती है, मैं टाइम पे कुछ सुधार करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया, तो सर वो मेरी गलती है। और सक्सेस बांट के खाओ, सक्सेस बांट के खाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस अंजलि, वेरी नाइस। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। यस, फेलियर को आप एक्सेप्ट करो, आपकी टीम आपके पीछे खड़े रहेगी। जिस दिन आपने बोल दिया ये टीम के चलते हुआ फेलियर, आपकी टीम बिखर जाएगी, आप अकेले रह जाओगे। जब आप ये बोलोगे कि सर ये मैं मान्य करता हूँ कि सर ये मेरी टीम की गलती नहीं, मेरी भी उतनी गलती है और मेरे चलते हुआ कि मैं अपनी टीम को संभाल नहीं पाया उस वक्त, अगर मैंने अपनी टीम को प्रॉपर गाइडेंस दिया होता तो शायद मैं आज नंबर 1 होता। और अगर आज मैं नंबर 1 नहीं हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं कारण हूं, क्योंकि मैं अपनी टीम को संभाल नहीं पाया। और जब सक्सेस मिलता है तो बांट दो अपनी टीम में। ये पहला लीडरशिप का क्वालिटी है। जिसने ये क्वालिटी अपने आप में ढाल ली, संभाल लिया, वो कभी भी लीडर बन सकता है। समझ में? डोंट टेक क्रेडिट। जब कुछ अच्छा होता है तो अपने ऊपर क्रेडिट मत लो। किसी ने पूछा, हाउ सर, क्या पूछना चाहते हो आप एग्जैक्टली? कैन यू लाइक अगेन कम बैक?
किसी ने पूछा कि हाउ सर, क्या हाउ सर मतलब, क्या मतलब आपको, कैसे पूछना, कैसे करना है, क्या पूछना चाहते हो आप? आई डोंट नो योर नेम बट मुझे चैट में कहीं तो दिखा। Somebody said how sir, मुझे आप बताएंगे आप क्या पूछना चाहते हो मुझसे? You can unmute and talk if it is possible. Nirmale, okay, let it be. Nirmale, please ask you. मतलब पूछो आपको, आपको क्या doubt है? Don't worry, don't hesitate. You can ask the doubts at any time, and I am here to answer that. अपना सक्सेस कैसे फेलियर के साथ, अपना सक्सेस कैसे? अच्छा मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ निर्मले, मेरे पास क्या है आज? आज मेरे पास नॉलेज है कि मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है? आज मेरे पास नॉलेज ज्यादा है कि एक्सपीरियंस ज्यादा है? एक्सपीरियंस ज्यादा, राइट? नॉलेज तो आता रहेगा, नॉलेज तो टाइम टू टाइम आता रहेगा, बट मेरे पास आज एक्सपीरियंस ज्यादा। और किस चीज का एक्सपीरियंस है, किस चीज का एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है? क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है? मैंने बहुत गलतियां की है जिसके चलते मैं सीखा और आज मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर मैंने गलतियां नहीं की होती तो आज मैं आपको ये समझा नहीं पाता इतने कॉन्फिडेंस के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं नहीं बोला कि फेल हो जाओ जानबूझ के, ऐसा नहीं। आप मेहनत करो, कभी आप फेल हो गए ना तो डरो मत, ऐसा मेरा कहना है। फेलियर मांग के मत लो, फेलियर होगा ही, कहीं ना कहीं आप गिरोगे ही। आदमी गिरा नहीं तो संभला क्या? समझ में आया? आदमी गिरा नहीं तो उठा क्या? आदमी तो गिरेगा ही तभी उठेगा। तो फेलियर को आप एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ मानो, उससे डरो मत। रिस्क उठाना सीखो, रिस्क है तो इश्क है, देखा होगा आप लोगों ने। रिस्क नहीं उठाओगे तो क्या इश्क करोगे? तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा बेटा। फेलियर होगा, मैं आगे जाके गिर जाऊंगा सर, मैं फिर उठूंगा कैसे सर? गिरना भी मुझे ही है और उठना भी मुझे ही है, और मुझे मालूम है मैं गिरने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं तो लाइफ के पहले जो जिन्होंने भी अपना अपना कुछ भी स्टार्ट किया है, दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, लाइफ में वो जरूर एक बार गिरे, और वहीं से उनको ज्ञान उदय हुआ है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने रिस्क उठाया इसलिए गिरे। ठीक है, द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट क्रिएटिविटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। आप कुछ भी करो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप एरोप्लेन चलाओ, आप क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, आप हार्डवेयर, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ, आप सिविल इंजीनियर बन जाओ, आज की तारीख में ये सबको आना ही चाहिए। दिस इज नीडेड। जैसे आप लोग साइकिल चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, कार चलाना सीखते हो, वैसे कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए। इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। मिनिमम कंप्यूटर लिटरेसी, आज तो आपको मालूम है कि आज किराने की दुकान वाला भी कंप्यूटर खोल के बैठा हुआ है, वो बिलिंग करता है कंप्यूटर के ऊपर ही करता है, बराबर है कि नहीं? राठौड़ में बताऊंगा कैसे बटे, ठीक है? आज आपने देखा होगा किराने की दुकान वाला भी आज आपको बिल कंप्यूटर पे बना के देता है, ठीक है ना? तो कंप्यूटर लिटरेसी जरूरी है। और दूसरा क्या है? क्रिएटिविटी, नया सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, नया सोचो। नया नहीं सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने एक मोबाइल खरीदा, मैं अगर 10 साल वैसे मोबाइल बनाता रहूँ तो चलेगा क्या? विल इट वर्क? 10 साल में वैसे मोबाइल बनाता रहूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो मुझे इंप्रूवमेंट करना है कि नहीं, मुझे क्रिएटिविटी लानी है कि नहीं उसमें? मुझे क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी ना उसमें। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज क्रिएटिव। अंजलि, सपोर्ट की जरूरत नहीं लगती है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सपोर्ट आप अकेले हो, ध्यान में रखो। मैं अभी आपसे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूंगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप लोग तब मुझे क्वेश्चन दो, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है? आप लोग मुझे क्वेश्चन दो, मैं उसके आंसर दूंगा, बट मुझे थोड़ा टाइम दो, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि आप बीच में क्वेश्चन डाल रहे हो तो शायद मेरे से मिस हो जाए, क्योंकि चैट में वो ऊपर चला जाता है, मुझे दिखता नहीं, ठीक है ना? देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देर आर, आई नो दैट देर माइट बी सो मेनी क्वेश्चंस। लेट मी फर्स्ट सी, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही अभी? आवाज सुनाई दे रही है सबको? ओके, चलेगा। ओके, थैंक यू, फाइन। सो आई एम एट द एंड ऑफ माई स्लाइड, मुझे जो आपको बताना था मैंने बता दिया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलेगा? आप लोग, मैं 5 क्वेश्चन के आंसर दूंगा ओनली, आई गिव यू ओनली 5 क्वेश्चंस आंसर, क्योंकि टाइम भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है। इट इज ऑलरेडी 12:45, मेरे को 1 घंटे का टाइम दिया था, मैंने 1 घंटे में मेरा जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके क्वेश्चन अगर कुछ रहेंगे जो आपने ऊपर भी डाले होंगे, अगर आपको उसके आंसर नहीं मिलेंगे तो आप क्वेश्चन यहाँ पे वापस से चैट बॉक्स में पुट अप करो। मैं कुछ तो 5 क्वेश्चन के आंसर दूंगा, जिनको आंसर नहीं दे पाया प्लीज नोट डाउन माई नंबर, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, देखो
या फिर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऑन द स्क्रीन, आई राइट इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, ठीक है, 8788634831। प्रोफेसर शशिकांत इपरवी, ओके 8788634831। आई होप दैट एवरीबडी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में नोट डाउन कर लेना, सबको मिल गया नंबर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी एंड आई विल बी एबल टू आंसर इट। सक्सेस को कैसे बांटे सर, हाउ इज इट पॉसिबल? आपकी टीम रहेगी ना, मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल सपोज अभी मैं ही बोलता हूं, मैंने आपके साथ अभी मतलब बातचीत किया, याद है आपको मैंने बीच में क्या बोला? आपको याद है मैंने बीच में क्या बोला? एनर्जी मुझे आपसे मिल रही है, एनर्जी किससे मिल रही है मुझे? मैंने बीच में क्या बोला समझ में आ गया आपको? मैंने बीच में बोला कि एनर्जी मुझे आपसे मिल रही है, तो सक्सेस मैंने अपना जो मैं जो काम कर रहा हूं ना, इसका सक्सेस मैंने आपको उसी वक्त दे दिया, बिकॉज ऑफ हूम, किसके चलते मैं आज इतना अच्छा लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूं? आप लोगों के चलते। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं कभी भी सक्सेस बांट नहीं पाऊंगा। या अजिंक्य, हाउ टू डिसाइड गोल, इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। मैं अभी आपसे चाहूंगा कि आप यहां से जो रिलेटेड है उससे बात करें। गोल डिसाइडिंग के लिए मेरे पास 3 से 4 घंटे का मॉड्यूल है, कभी हुआ तो मैं लूंगा, अगर मुझे टाइम मिला बीच में, कभी सीईटी का क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद अगर आप लोगों ने डिमांड किया तो मैं लूंगा डेफिनेटली, बिकॉज इट इज अगेन इट इज मतलब 1 से 2 घंटे के ऊपर मेरे को मिनिमम चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाउ टू क्रिएट टीम, टीम क्रिएट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है, आप अपने जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हो उनके साथ सच्चे रहो, वो टीम अपने आप डेवलप होती है। आप कुछ भी छुपाओ मत, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, किसी भी मामले में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, चाहे वो नॉलेज रहे, चाहे वो पैसा रहे, चाहे वो टाइम रहे, कुछ भी रहे, आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते चला जाएगा, टीम बढ़ते जाएगी, टीम बनते जाएगी, आपके लोगों का बिलीव तभी बढ़ता है जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हो। जैसे मुझे जो बताना था, अगर मैं इस नॉलेज में से कुछ छुपा के रखूं तो आप मेरे साथ कभी भी क्लोज नहीं बनोगे। मैं ओपन हूं आज, इसलिए आप मेरा सुन रहे हो, मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, इसलिए आप हर चीज को मानने की कोशिश कर रहे हो। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं आपसे ओपनली बात कर रहा हूं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा, मैं जो सच है वो आपके सामने रख रहा हूं, तो मुझे आपके साथ मिलकर काम करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सीईटी के बाद क्या करें, ऑप्शन बताओ सर। डेफिनेटली रुतुजा, एवरीबडीज ड्रीम इज डिफरेंट, वी कैन डिस्कस इट। मैंने इसलिए बोला कि आपको जब भी लगता है मुझसे बात करना है, यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी, विल टॉक, ठीक है ना। क्योंकि हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग है, हर आदमी की क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। या अबाउट फार्मेसी, आपको सर आप ज्यादा क्लास लो मैं लेने वाला हूँ, मैं फिजिक्स का एक क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए, लास्ट चैप्टर मेरा ही है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मेरा ही चैप्टर है, मैं वो लूंगा आपके लिए क्लास, उस दिन भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिला, अगर आपको लगता है कि सर आप कोई क्लास कंडक्ट करो, सो प्लीज सेंड अ रिक्वेस्ट टू द टीचर्स, तो हम लोग बात करेंगे। या मैं मर्चेंट नेवी के बारे में बात करूंगा, डोंट वरी, मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा एक फील्ड है, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट है जो मर्चेंट नेवी है। मैं फार्मेसी के बारे में बात करूंगा आपसे, ठीक है ना, डोंट वरी। टीचर, हाउ टू बिकम अ बेस्ट लेक्चरर और टीचर, इस पे तो मैं आराम से 2-3 दिन ले सकता हूँ, जय आराम से बात करेंगे, ओके। आप जो भी टॉपिक है आप मुझे मैसेज करो, मेरे को जब भी लगेगा टाइम होगा मैं आपको वो मैसेज आपको भेजूंगा, जब भी मैं ऐसे कुछ लेक्चर ले रहूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा, ओके। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, वट एवर द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट आई कैन डू आई विल डेफिनेटली डू इट। हो सकता है मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करूं। गिरीश, या यू आर इंटरेस्टेड इन ENTC, दैट इज द बेस्ट, या माय टीचिंग इज बेस्ट, थैंक यू। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं अगर व्हाट्सएप में आपको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाया तो बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मुझे सबको सपोर्ट करना पड़ता है, मेरे भी काम है, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा, डोंट वरी, मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा, ठीक है। देन एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस, लेट मी सी, हाउ टू डिसाइड गोल, हाउ टू क्रिएट टीम, ये तो पुराने क्वेश्चन हो गए। सर CSE अच्छा है ना? सर सब अच्छे है, दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है अमर, सब अच्छे हैं, सिर्फ ये कि आप कितनी मेहनत से कितना अच्छा सीखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कितनी मेहनत से कितना अच्छा सीखते हो और कितना अच्छा करते हो वो इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गुड, नथिंग इज गुड एंड बैड, कोई भी फील्ड गलत नहीं है, हर फील्ड अच्छा है, ठीक है। सो विद दिस आई एक्सपेक्ट दैट यू कैन पुट अ क्विक फीडबैक इन योर चैट बॉक्स, ओके, क्विक फीडबैक इन योर चैट बॉक्स, सो दैट आई विल फील मोर एनर्जाइज कि अगली बार आप लोगों के लिए कैसा लेक्चर लेना है।
यू कैन पुट अ क्विक फीडबैक या अदरवाइज इफ यू वांट टू डू अनम्यूट देन अनम्यूट करके भी आप बता सकते हो. ओके हेलो सर. या प्लीज गो ऑन. हेलो somebody wanted to say something, please go ahead. YouTube channel Atharva, I think you want to say something. You have unmuted yourself. आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? YouTube channel है क्या तुम सर? हाँ मेरा YouTube channel है, but वहाँ पे अभी मैंने सिर्फ technical stuff डाले हुए हैं. यही नाम से search करो, शशिकांत हिप्परगी, मेरा YouTube channel है. मैं वहाँ पे अभी मेरे sessions डालने वाला हूँ. अभी मैंने अपने sessions नहीं डाले. मेरा अभी सिर्फ वहाँ पे टेक्निकल स्टफ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ. मैंने बहुत सारे पजल सॉल्व किए हुए वहाँ पे. आप जा सकते हो, पजल के थ्रू जा सकते हो. मैथमेटिकल पजल है, फिजिक्स के पजल्स हैं. यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट. एंड जितना फायदा हो सकता है उतना फायदा करके निकालो. ठीक है, okay, thank you for the kind of feedback that you are giving to me. Everybody is finding it that it was a useful session. Urvi says, sir, it was the best session. Thank you so much, sir. Lecture was awesome. Thank you very much for the thing that you are saying to me. Your feedback is very much important for me. You can even later WhatsApp me also. Agar aapko lagta hai ki kuch acha laga ya kuch bura laga, bura bhi laga, negative feedback hai to wo bhi de do yaar. Sirf positive ke piche mat padho. Agar aapko lagta hai ki sir kuch aapne galat bataya to wo bhi aap put up kar sakte ho. Absolutely no problem. मुझे भी मेरी गलती पता होनी चाहिए, तभी जाके मैं अपने आप को चेंज कर पाऊंगा. ठीक है, ओके. लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ. ज्योति, थैंक यू सर. आई वाज फाइंडिंग कि हमें ये ऐसी बातें कोई तो बताए. थैंक यू सर. या दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक. मैंने ये टॉपिक इसलिए निकाला क्योंकि मुझे लगा था कि शायद बहुत कम जगहों पर या कॉलेजेस में स्कूल्स में इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होता है. ओके, एवरीबॉडी इज हैप्पी. शैल वी स्टॉप हियर देन? Everybody is happy. मुझे क्या अच्छा लगा पता है कि आज के लेक्चर में जब मैंने स्टार्ट किया तब 45 स्टूडेंट्स थे और जब मैं एंड कर रहा हूँ तब 56 है. एंड 56 कांस्टेंट है, कोई छोड़ के नहीं गया मेरे सेशन. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं गया सेशन. एंड दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ फीडबैक दैट आई कैन सी. ओके, दैट इज द वन थिंग दैट आई कैन अप्रिशिएट ऑफ यू पीपल. वेरी एनर्जेटिक पीपल. डेफिनेटली वी कैन वर्क टुगेदर, वी कैन डू मिराकल्स. हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. सिर्फ ये है कि आप लोगों को जो भी जब भी लगे छोड़ना नहीं चाहते सर. ऋतुजा, थैंक यू. आई नो कि अच्छा लगा आप लोगों को. थैंक यू अंजलि. सो फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर. इफ यू वांट टू स्टिल या लाइक आई थिंक द होस्ट वांट टू से समथिंग. या थैंक यू ऑल. थैंक यू ऑल. डोंट लीव द सेशन. आई थिंक द मैम हिप्परगी मैम वांट टू से समथिंग टू यू. लेट हिप्परगी मैम कंप्लीट हर थिंग एंड देन यू कैन लीव. मेरी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी है. थैंक यू सर. आप और एक लेक्चर ले लो. मैं लूंगा डेफिनेटली. आई टेक यू. आई टेक विद दैट लेक्चर. पहले फिजिक्स का ले ले तो फिजिक्स में मजा करेंगे. फिर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है. हम लोग वो भी लेंगे. थैंक यू प्रिंटर. लीव होने का मन नहीं कर रहा है. सी दिस काइंड ऑफ फीडबैक रियली हैट्स ऑफ टू यू पीपल यार. वेरी गुड फीडबैक. या आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा. अभी क्लास चालू है, क्लास खत्म करने के बाद रिप्लाई करूंगा. यू आर ऑसम सर, योर लेक्चर इज बेस्ट सर. थैंक यू ऑल. रियली वेरी नाइस. आई एम ओवरवेलम्ड विद योर फीडबैक. ओके हिप्परगी मैम, यू वांट टू से समथिंग? So thank you so much for sparing your valuable time with us and guiding our students on such an important topic and motivating them so much. With this, we have reached end of the session. We all will meet tomorrow. Yes? So you people can leave the session now. Thank you.